गोलमाल 4 में हो रहे बहुत से गोलमाल, पिक्चर बनेगी कि नहीं रोहित भाई? खैर मैं तो ऐसा परेशान हो रहा हूं जैसे मैंने फिल्म की हो एज अ हीरो। बट फिलहाल गोलमाल फ्रेंचाइज के फैंस के लिए लेकर आया हूं इस फिल्म से जुड़ा एक अहम अपडेट। चेक इट आउट। वैसे तो रोहित शेट्टी अभी तक ढूंढ रहे हैं राम लखन के रीमेक के लिए अपने राम और लखन को, पर उससे पहले उन्होंने सील कर दिया है डील ऑन गोलमाल 4, और ऐसा उन्हें शायद करना पड़ रहा है काफी रिलक्टेंस के साथ। रीजन बीइंग दिलवाले का बॉक्स ऑफिस रिस्पांस था काफी ल्यूकवार्म। शायद उसको देखकर ही रणवीर और वरुण एक नहीं बल्कि दो टॉप एक्टर्स कर चुके हैं रिफ्यूज टू वर्क इन रोहित्स एम्बिशियस राम लखन। तो घूम फिर कर रोहित शेट्टी को लेना पड़ रहा है रूट गोलमाल। और हाँ, गोलमाल है एक ऐसा फ्रेंचाइज जिसने रोहित को बनाया था अ मनी स्पिनिंग ए लीग डायरेक्टर, और दिलवाले के डिजास्टर के बाद ही रियली डज नीड अ गोलमाल टू बाउंस बैक। पर गोलमाल 4 का अब तक का सफर रहा काफी अड़चन से भरा। ये सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। बस इसकी रोहित ने प्रोड्यूसर संगीता अहिर से लिए थे 18 करोड़ रुपए एंड ही हैड प्रॉमिस्ड टू मेक गोलमाल 4 फॉर हर। पर गोलमाल सीरीज के प्रोड्यूसर्स अष्टविनायक के बैंकक्रप्ट होने के बाद फिल्म के राइट्स खरीद लिए थे लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर राजू शाह ने। अब सुनने में आ रहा है कि रोहित हैड अ मीटिंग विद राजू शाह एट हिज लोखंडवाला ऑफिस, जहां उन्होंने कर दी बात पक्की। राजू थे इंटरेस्टेड इन गिविंग द राइट्स प्रोवाइडेड रोहित गेव हिम 7.5 करोड़ रुपीस साथ में। साथ में वो गोलमाल फ्रेंचाइज इक्विटी होल्डर भी बनना चाहते हैं। एंड गेस व्हाट, रोहित शेट्टी हैज गिवन हिज नॉड। तो गोलमाल होने वाली है रिलीज समवेयर इन 2017। पर बॉस, अगर रोहित को इस बीच अपने राम और लखन मिल गए तो क्या हश्र होगा गोलमाल का? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।